रियलिटी शो बिग बॉस 16 में हर रोज नया नया ट्विस्ट आ रहा है। शो में प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता के प्यार को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई है। हालिया एपिसोड में प्रियंका और अंकित की जमकर लड़ाई हो गई है। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को काफी बुरा भला भी कहा। लड़ाई शुरू होती है जब प्रियंका शालिन भनोट से चिकन को लेकर लड़ाई करती है। अंकित साफ शब्दों में प्रियंका से कहते हैं कि वह लड़ाई खत्म करे और खाने की चीज पर न लड़े, लेकिन प्रियंका अंकित से कहती है कि वह अपना मुंह बंद रखे और उनकी लड़ाई में टांग न अड़ाए। अंकित प्रियंका के इस बर्ताव से काफी नाराज होते हैं और अपसेट भी हो जाते हैं। बाद में दोनों जब साजिद खान के पास बैठे होते हैं, तब साजिद खान दोनों के बीच बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो अंकित प्रियंका को एटीट्यूड दिखाते हुए बात ही करना बंद कर देते हैं। इस पर प्रियंका कहती है कि पिछले 2 साल से मैं इसे झेल रही हूँ। यह बात अंकित को बुरी लग जाती है और एक्टर कहते हैं कि तुम नहीं, मैं तुम्हें 2 साल से झेल रहा हूँ। अंकित की यह बात सुनकर प्रियंका रोने लगती है। इमोशनल होकर वह अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। प्रियंका और अंकित के बीच लड़ाई से उनके फैंस भी काफी दुखी हो गए हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों के बीच जल्द ही पैचअप हो जाए, क्योंकि शो में एक यही तो जोड़ी है जो दर्शकों को काफी रियल लगती है। रियल लाइफ में अंकित और प्रियंका पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में है। वेल दोस्तों, आप अंकित और प्रियंका के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हो गया अभी 50 बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। कोई एटीट्यूड नहीं है। आपको नहीं पता मैंने झेला 2 साल। अरे बहुत झेला, ठीक है, बहुत झेला, मैं भी रहा हूँ, ठीक है।